आजकल बॉलीवुड की कोई भी फिल्म फ्लॉप या हिट होने की कोई गारंटी नहीं होती है, फिर चाहे उसका बजट बड़ा हो, एक्टर बड़ा हो या फिर डायरेक्टर बड़ा हो। जहां एक तरफ मात्र 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हनुमान जैसी फिल्म सुपरहिट कैटेगरी में चली जाती, वहीं 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म फाइटर अपने रिलीज के 5वें दिन ही फ्लॉप कैटेगरी में चली जाती है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ? चलिए हम बताते हैं, इसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। फिल्म ने अपने पहले दिन अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए लगभग 22.5 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म ने दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी ठीक ठीक परफॉर्म किया था और पहला वीकेंड खत्म होते होते लगभग फिल्म ने 118 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था। असली ट्विस्ट तो मंडे वाले दिन यानी फिल्म के रिलीज होने के 5वें दिन देखने को मिला, जहां फिल्म ने संडे को 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं मंडे वाले दिन इसकी कमाई गिरकर लगभग 8 करोड़ रुपए ही रह गई, मतलब फिल्म वीकेंड में ही धड़ाम हो गई। फिल्म के कलेक्शन ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया। इसके पीछे भी कई सारे रीजन है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन रीजन्स में सबसे पहले आता है फिल्म की वीक स्टोरी। दरअसल इंडियन ऑडियंस को ओटीटी पर ढेर सारा क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल जाता है। इवन अमेरिकन, कोरिया और जापानी वेब सीरीज भी बड़ी ही आसानी से ओटीटी पर देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में इंडियन ऑडियंस थिएटर में तभी जाती है जब उसे मासी एक्शन मसाला के साथ उसकी स्टोरी में कुछ नयापन देखने को मिले, जो कि फिल्म फाइटर में कुछ भी नहीं था। फिल्म फाइटर में एक बार फिर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर वाला मुद्दा ही दिखाया गया है, जिसे बार बार देखकर ऑडियंस पक सी गई। भाई, अब ऑडियंस को आप देशभक्ति के नाम पर एक ही कंटेंट कितने बार दिखाओगे? ऑडियंस बार बार एक ही तरह का कंटेंट देख देख के बोर तो हो ही जाएगी। फिल्म के न चलने का दूसरा कारण देखिए, फाइटर इंडियन सिनेमा की पहली एरियल एक्शन मूवी है जिसमें जबरदस्त आसमानी एक्शन सीन दिखाए गए हैं। हालांकि मेकर्स का ये कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में पहली बार और नया है, जो दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया है। लेकिन दर्शकों द्वारा जो चीज पसंद नहीं आई है वो है फिल्म का विलेन। दरअसल डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने हीरो के लिए तो अनिल कपूर, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े स्टार कास्ट कर लिए, और वहीं उनके सामने विलेन कोई बड़ा नामचीन चेहरा न लेकर ऋषभ सहनी को कास्ट किया, जो कि न तो खुद को एक खतरनाक विलेन के रूप में स्थापित कर पाए और न ही बढ़िया डायलॉग डिलीवरी देकर ऑडियंस का दिल जीत पाए। उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी कुछ खास नहीं रहा, इसीलिए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने उनका फिल्म में स्क्रीन टाइम भी बहुत ही कम रखा है। एक बड़े और सेंसिटिव सब्जेक्ट पर बनने वाली फिल्म का विलेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि फिल्म फाइटर में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जनाब, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के सबसे हॉट एंड सेक्सी कपल्स में से एक माने जाते हैं। ऑडियंस उनका स्क्रीन पर रोमांस देखना पसंद कर, दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर एक जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ देखना चाहते थे, लेकिन मूवी में उनका रोमांस बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। फिल्म के रिलीज होने से पहले फिल्म के एक गाने ने उनके रोमांस और उनकी केमिस्ट्री का हाइप क्रिएट किया भी, जो कि फिल्म में मूवी खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट के साथ दर्शकों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दर्शकों का दिल टूट जाता है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की एक जबरदस्त रोमांस केमिस्ट्री देखना चाहते थे, जो कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। पूरी फिल्म के दौरान दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन वाला कैरेक्टर अलग थलग दिखाई दिए, जो कि एक कंप्लीट इंटरटेनर फिल्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पूरी फिल्म में एरियल एक्शन को बेहतर बनाने पर जोर दिया है, न कि फिल्म को परफेक्ट बनाने। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग ये थे कारण जिनकी वजह से फिल्म फाइटर बिल्कुल भी नहीं चल पाई है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।